सैट रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे लिए जो चैलेंज है कि भाई सैट डिफाइन कैसे होता है, मुझे मालूम है सैट रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, हाउ वी रिप्रेजेंट सैट, ठीक है ना। तो सेट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, जो कि मैंने बताया आपको। एंड वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि डेफिनेशन से ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या है सेट के एलिमेंट्स रेफरेंस डिपेंडेंट ना हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि सेट में हर एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, मेनली दो तरीके हैं मेरे पास। सेट इज डिस्क्राइब्ड इन मेनली इन टू वेज। और जो पहला तरीका है वो रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रोस्टर मेथड, लाइक रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड। लिस्टिंग मतलब लाइक टेबल ही बनाना, ऐसा है टेबुलर या रोस्टर। इनका मीनिंग क्या है इसको मुझे समझना है, और इसका मैं कब यूज करता हूं वो भी मुझे समझना है। ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं कर्ली ब्रैकेट में, मुझे ब्रैकेट लिखना है, और जो भी एलिमेंट्स हैं उन ब्रैकेट्स को उन ब्रैकेट्स के अंदर उन एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देना है। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रैकेट। कंसंट्रेट करिए, तो सेट को जनरली रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से। मतलब ऐसा ही कन्वेंशन है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स का। तो ध्यान से देखिए, टेबुलर मेथड है या लिस्टिंग मेथड है या रोस्टर मेथड है, उसमें एलिमेंट्स को जैसे कॉमास में एलिमेंट लिख के कर्ली ब्रैकेट में, और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। लाइक अगर मैं ये कोई सेट लिख रहा हूं, ए ई आई ओ यू, तो ये मेरे पास क्या आएगा, सेट ऑफ वॉवल्स। अगर इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इससे लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो रोस्टर या टेबुलर मेथड में क्या होता है, लेट मेरे पास बी सेट है कोई, मुझे वन से लेके टेन तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर्स को, तो कैसे लिखूंगा मैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं, और उनके सेपरेटेड बाई कॉमास, कॉमा लगाने हैं। इसको बोलते कैसे हम, वन इज एलिमेंट ऑफ वन इज वन बिलोंग्स टू वन इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, वन इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके। एंड अनदर थिंग, जैसे अगर मैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक ये मेरे पास क्या है, कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि ओ ओ क्या है, ओ इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ Not element of set B, या 5 is not element of set A, U is element of set A, ठीक है ना। तो I think roster and और tabular method है जो, या listing method है, simple list बनानी है curly bracket के अंदर elements को represent करना, nothing else, ठीक है। दूसरा जो काफी काम का है बहुत, और जनरली ये जो मेथड है मैं तब यूज करता हूं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जनरली तभी यूज होता है। अदरवाइज क्या है, मैं प्रॉपर्टी मेथड का यूज करता हूं, रूल मेथड का यूज करता हूं, या सेट बिल्डअप जो मेथड है उसका यूज करता हूं, एक ही बात है वो। उसमें क्या होता है कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है, मतलब जो एक प्रॉपर्टी बताई जाती है उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो उसमें सेट में आते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लेट एक्स ए है मेरे पास, ध्यान से समझिए, ए सेट है, तो अगेन कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे लेकिन एक्स लिखेंगे,
एक्स सच दैट, इसको बोलते कैसे हैं एक्स सच दैट, एंड कोई प्रॉपर्टी लिख देंगे लेट पी एक्स होल्ड्स, कोई प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने पी एक्स होल्ड्स, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, ऐसी प्रॉपर्टी लिख दिया, बात समझ में आई ना, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। या कई बार सच दैट के लिए मैं ऐसा भी साइन यूज करता हूं एक्स, ऐसे कर लिख देते हैं, लाइन ही बनी होती है पी एक्स होल्ड्स, पी एक्स होल्ड्स। इसको पढ़ने का तरीका ये है, ए ऐसे एक्स का कलेक्शन है, ए ऐसे वेरिएबल्स का कलेक्शन है जो पी एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ए इज अ कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स सच दैट पी एक्स, कोई अनदर प्रॉपर्टी होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको वो सेटिस्फाई करेगा, उससे जो एक्स आएंगे वो ए में आएंगे। बात समझ में आ गई, पढ़ना आना चाहिए, एक दो मैं एग्जाम्पल लेता हूं उससे क्लियर होगा। इसको दोनों ही तरीके क्या है, प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है ना। ए ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो पी एक्स को सेटिस्फाई करता है। देखिए मैं चेंज करके बताता हूं, थोड़ा सा लिखता हूं। जैसे अगर मैंने एक सेट लिखा, ध्यान से देखिए, ए एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन नाइन एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ आई, इसका मतलब क्या है कि ए ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो कि इंटीजर है, आई का मतलब क्या होता है इंटीजर, साथ में वन या वन से ज्यादा है और नाइन से कम है, तो इसका मतलब ए में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ध्यान से देखिए, वन आएगा यस आएगा, 1.1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक्स क्या है इंटीजर है, यहां पर एक्स क्या है इंटीजर है, अगर मैं यहां इंटीजर भी लिख देते हैं इसे एक्स इंटीजर एक्स, तो टू आएगा यस आएगा, थ्री आएगा या आएगा, फोर आएगा आएगा, फाइव आएगा आएगा, सिक्स आएगा आएगा, सेवन एट नाइन नहीं आएगा। तो जो ए सेट है ये प्रॉपर्टी मेथड है, रूल मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है, सेम सेट को मैंने टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड में भी रिप्रेजेंट किया है। कंसंट्रेट करिए, लेट दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने क्या किया, बी को एक सेट लिखा, बी एक्स सच दैट का ये वाला साइन ले रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऐसे एक्स का कलेक्शन है, जो बी है वो ऐसे एक्स का कलेक्शन है जिनके लिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या हो, जीरो हो। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करने वाले जो एक्स हैं वो सेट बी में लाई करते हैं। इसको पढ़ने का मतलब ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर जीरो का किस किस पे होगा, टू और माइनस टू, ये एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, बात समझ में आ गई ना। अगर मैं लाइक जैसे ऐसा कुछ लिख रहा हूं, ये बात समझ आया, तो इसको पढ़ना आना चाहिए। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है, प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है और उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे उसमें आते हैं, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। लेट एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास लेट ए इक्वल टू है एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन फाइव और एक्स इक्वल टू इवन, तो इसका मतलब यह है कि ए ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो कि क्या है, जीरो से ज्यादा है और फाइव से कम है, लेकिन साथ में इवन भी है, तो क्या आएगा टू एंड फोर, दो ही एलिमेंट आएंगे। बात समझ में आ गई, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स ए इज द कलेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई ना, काफी काम का है, ढंग से समझना चाहिए। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट पी एक्स होल्ड्स, मतलब ए एक ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो प्रॉपर्टी पी एक्स को सेटिस्फाई करते हैं। यह हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मुझे लगता है पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली दो तरीके हैं, रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड, वो आसान है,
अब इस बात पर फोकस करना है उसमें करते क्या है हम, कर्ली ब्रैकेट के ब्रीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में क्या करते हैं, ए एक्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए ऐसे वेरिएबल एक्स का कलेक्शन है जो कि पी एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें मैंने दो तीन बातें की कि सेट को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं जनरली, एंड वैसे तो कुछ भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मेनली दो तरीके हैं, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, एंड सेकेंड वन है प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। जो लिस्टिंग या टेबुलर मेथड है उसमें क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से। एंड सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, ए जैसे लाइक एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, एक ऐसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं जिससे जिसको सेटिस्फाई करने वाले वही एलिमेंट आए जो कि ए में है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई एलिमेंट ना आए। समझ आ गया, तो यहां से मैंने दोनों मेथड्स को समझाने की कोशिश की है, आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके।